नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हर खबर पैनी नजर। तो आइए रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर। कानपुर के अरमापुर थाना क्षेत्र इलाके में बीते दो दिन पूर्व प्रेम प्रसंग और वर्चस्व को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना पर महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराबंकी की पुलिस लाइन के बैरक में हरदोई जनपद के रहने वाले सिपाही ने अपनी सरकारी इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से सिपाही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के NH-91 के प्रेमपुर के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर कंटेनर में जा घुसा। कंटेनर में बाइक के घुसने से बाइक और कंटेनर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कंटेनर का आगे का हिस्सा बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। कंटेनर सवार चालक परिचालक ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया। बलरामपुर में साइबर क्राइम के माध्यम से अपराधियों ने एक व्यक्ति से 32 लाख रुपए की ठगी की है, जिसमें बलरामपुर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के सिंह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला के साथ अस्पताल के कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। परिजनों व ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 29 पर जाम लगाकर हंगामा किया। नेशनल हाईवे पर हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने सिंह अस्पताल और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन बात न बनने पर एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और सीओ सिटी ने ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की। वहीं ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तहरीर देने की बात कही और जाम खुलवाया जा सका। कानपुर में कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मरीजों को आनन फानन में खिड़की तोड़कर बेड समेत बाहर निकाला गया। जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कार्डियोलॉजी के पूरे भवन में धुआं भर गया। आग लगने का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दावा है कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के शीशे तोड़कर सारे मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं आईसीयू में भर्ती दो मरीजों की मौत भी हुई है। मथुरा के वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कुंभ बैठक का सफल आयोजन हुआ, लेकिन समापन के बाद शनिवार को बवाल हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस की भिड़ंत हो गई। कभी पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा तो कभी पुलिस वालों की पिटाई कर दी गई। पूरे दिन हंगामा होता रहा, इसका खामियाजा पुलिस को ही भुगतना पड़ा। कोतवाल लाइन हाजिर कर दिए गए, चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया। मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। होली से ठीक पहले बाजार में मिलावटी शराब उतारने की बड़ी कोशिश पुलिस ने नाकाम कर दी। प्रयागराज के दारागंज में सरकारी ठेके के गोदाम में मिलावटी शराब बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 191 पेटी शराब के साथ ही नकली QR कोड, खाली शीशियां व ढक्कन बरामद किए गए हैं। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम देर रात तक मौके पर जाँच पड़ताल में जुटी थी। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायलों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया है, जहां रास्ते में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में डल्लू देवता पर रविवार सुबह होली के मेले में द्वारापुरम निवासी नवनीत शर्मा गैस सिलेंडर लेकर गुब्बारों में गैस भरकर बेच रहा था। करीब 8 बजे अचानक गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। सहारनपुर के बेहट इलाके में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गांव बाबैल बुजुर्ग के पास प्राइवेट यात्री बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद चालक व परिचालक मौके पर ही बस छोड़कर फरार हो गए। अंबेडकर नगर के हरुआ थाना क्षेत्र के राम बाबा बाजार में बीती रात धारदार हथियार से लैस दबंगों ने सैकड़ों की भीड़ के बीच घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे वाहन व चालक समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तनाव को देखते हुए बाजार में पुलिस तैनात है। मामला दुकान के झगड़े से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गोरखपुर क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत रविवार से सीएम सिटी गोरखपुर से राजधानी लखनऊ के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को 26.87 करोड़ की लागत से बनाने वाले टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। टर्मिनल की क्षमता 350 यात्रियों की होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टर्मिनल के निर्माण के बाद यात्रियों को तो सहूलियत होगी ही, गोरखपुर से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। करीब 2 साल में नए टर्मिनल के बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।
धन्यवाद। नगर पालिका परिषद फरुखाबाद होली, नवदुर्गा और रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन व अपील करती है कि समस्त नगर वासियों से अनुरोध है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में पालिका को सहयोग प्रदान करें। गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में ही डालें। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि परियोजना के अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के बचाव हेतु आवश्यक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें एवं समय समय पर सैनिटाइजर साबुन का इस्तेमाल करें। खुले में शौच ना करें और ना ही दूसरों को करने दें। नगर पालिका द्वारा बनाए गए सामुदायिक बाथ सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करें। निवेदक नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल, निवेदक अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार, निवेदक प्रधान लिपिक नसीम अहमद जावरी, निवेदक नगर पालिका बाबू मुकेश शर्मा। नगर पंचायत शमशाबाद होली, नवदुर्गा व रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर नगर पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन व अपील करती है कि समस्त नगर पंचायत वासियों से अनुरोध है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में नगर पंचायत को सहयोग प्रदान करें। गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में ही डालें। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि परियोजना के अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के बचाव हेतु आवश्यक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें एवं समय समय पर सैनिटाइजर साबुन का इस्तेमाल करें। खुले में शौच ना करें और ना ही दूसरों को करने दें। नगर पंचायत द्वारा बनाए गए सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का ही इस्तेमाल करें। निवेदक नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णा देवी गुप्ता, निवेदक नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार, निवेदक प्रधान लिपिक मुनिर खान।